हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि उनकी डिलीवरी हो चुकी है, उनकी डिलीवरी के बाद जो है उनका बेबी की डेथ हो चुकी है किसी रीज़न की वजह से, और अब जो है वो दूसरा बेबी प्लान करने के लिए सोच रही हैं। तो उन्हें कब दूसरा बेबी प्लान करना चाहिए, कितना लंबा गैप देना चाहिए, तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉमेंट्स वो मुझे कर रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना इसी टॉपिक पर आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि प्रेगनेंसी लॉस के बाद नेक्स्ट बेबी कब प्लान किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रेगनेंसी लॉस एक बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग और ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ में, और इस फेज को और इस दौर को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये कितना पेनफुल होता है और इससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। अब ये प्रेगनेंसी लॉस कई वजह से हो सकता है। आपका प्रेगनेंसी लॉस मिसकैरेज के दौरान हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है आपका, या फिर नियोनेटल डेथ हो सकता है। तो अब मैं इन सबको बता दूं कि मिसकैरेज क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या होता है और नियोनेटल डेथ क्या होता है। सबसे पहला है मिसकैरेज। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी लॉस जो होता है वो मिसकैरेज की वजह से होता है, और ये आजकल बहुत ही कॉमनली देखा गया है। मिसकैरेज क्या होता है? देखिए, मिसकैरेज मतलब लॉस ऑफ द फीटस या फिर लॉस ऑफ द बेबी बिफोर 20 वीक्स। अगर 20 वीक से पहले पहले आपके बेबी की डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं मिसकैरेज। मैंने भी एक मिसकैरेज एक्सपीरियंस किया था जो था मिस्ड मिसकैरेज। देखिए, मिस्ड मिसकैरेज वो होता है जहाँ पे कोई आपको ब्लीडिंग नहीं होती, कोई क्रैम्प्स नहीं होते हैं। मुझे भी कोई क्रैम्प्स नहीं हुए थे, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी। मेरा जो रूटीन चेकअप था उसके लिए मैं गायनेक के पास गई थी, तो जब उन्होंने चेकअप किया उन्हें बेबी की कोई हार्ट बीट सुनाई नहीं दी। उन्होंने जो है कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बेबी की जो है हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, हार्ट बीट नहीं चल रही थी। तो हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं फील हो रहे थे, मुझे कोई क्रैम्प्स नहीं हो रही थी, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड से पता चला था कि बेबी की ग्रोथ जो है वहीं पर रुक गई है। तो इस तरह का जो मिसकैरेज होता है उसे कहते हैं मिसकैरेज। मिसकैरेज में भी अर्ली मिसकैरेज जिसे कहते हैं वो बहुत ही कॉमन है। जो मिसकैरेज फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है उसे कहते हैं अर्ली मिसकैरेज, और इसलिए हम कहते हैं कि शायद इनिशियल 3 मंथ्स में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। मेडिकली देखा जाए तो मिसकैरेज के चांसेस फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बात कही गई है कि बताना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स जो है प्रेगनेंसी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो जाती है, तो मिसकैरेज के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मिसकैरेजेस के। सबसे पहला रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। देखिए, बच्चे में कोई क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। दूसरा, अगर आपके यूट्रस या फिर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तीसरा, मदर का हार्मोनल इंबैलेंस, जैसे कि थायराइड वगैरह में जहाँ पर हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। चौथा है इन्फेक्शन। कई सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजंस जो हैं वो आपको बताए हुए हैं। अब देखिए, मिसकैरेज से रिकवर करने के लिए आपको कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके मिसकैरेज के बाद आपको डीएनसी की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं। अगर मिसकैरेज के बाद डीएनसी की ज़रूरत पड़ी थी तो हो सकता है आपको डॉक्टर्स जो है कुछ मंथ्स का गैप रखने के लिए कहें, और अगर डीएनसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो हो सकता है डॉक्टर्स जो है आपको जल्दी कंसीव करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दें। मेरे केस में जो है मुझे मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जो है मेरा डीएनसी हुआ था, तो डॉक्टर्स मेरे गायनेक ने मुझे जो है 3 मंथ्स का गैप लेने के लिए कहा था, बट पर्सनली मैंने 6 मंथ्स का गैप लिया ताकि मैं अपने आप को मेंटली हील कर सकूं, फिजिकली प्रिपेयर कर सकूं, और मैं अच्छी तरह से अपने आप को रेडी कर लूं और फिर मैं अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करूं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने अपने आप को 6 मंथ्स का टाइम गैप दिया। और डीएनसी के बाद लंबा वक्त इसलिए भी कहा जाता है ताकि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वापस से बिल्डअप हो सके, वो वापस से ठीक हो सके, तो इसलिए जो है डीएनसी के बाद आपको थोड़ा सा लंबा वक्त का वेट करने के लिए डॉक्टर्स कह सकते हैं। तो अगर आप और आपके पार्टनर पूरी तरह फिजिकली मेंटली हर तरह से रेडी हैं, और अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो डेफिनेटली आपको सेकेंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन प्लान करने से पहले आपको ये रीज़न ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि आपका जो पहला प्रेगनेंसी जो पहला मिसकैरेज हुआ था उसका रीज़न क्या था। मैंने भी कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे ताकि पता लग सके कि जो है मिसकैरेज क्यों हुआ। तो इस तरह से जो है आप भी टेस्ट करा लें ताकि आप जो फ्यूचर यानी कि रिकरेंट मिसकैरेज से आप अपने आप को बचा सकें, यानी कि बार बार जो है मिसकैरेज आपका ना हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो इस तरह के टेस्ट होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी टेस्ट हो गया या फिर टॉर्च टेस्ट हो गया, इस तरह के जो टेस्ट है वो आप करा लें ताकि आप अपनी जो प्रेगनेंसी है दूसरी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके और फिर से आपको कोई मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है स्टिल बर्थ।
स्टिल बर्थ यानी कि लॉस ऑफ द बेबी आफ्टर 20 वीक्स। अगर 20 हफ्ते के बाद आपके बेबी की डेथ होती है तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान भी बच्चे की डेथ हो सकती है तो वो उसे भी हम स्टिल बर्थ कहते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल है कि आपको स्टिल बर्थ यानी कि इस प्रेगनेंसी लॉस के बाद आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं अगर दूसरा बेबी प्लान कर लूँगी तो मेरे ये जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। पहले आप अपने मेंटल सिम्टम्स को ठीक करें, इमोशनल सपोर्ट लें, अपने आपको जो सिम्टम्स हैं आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक करें, और उसके बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें। अब क्या क्या रीजंस होते हैं स्टिल बर्थ के? देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं स्टिल बर्थ के। सबसे पहला है मदर की एज। अगर मदर की एज जो है बहुत ज़्यादा है तो भी स्टिल बर्थ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़, बीपी इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है तो उसकी वजह से भी जो है स्टिल बर्थ के चांसेस हो जाते हैं। और कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्लेसेंटा का डिस्ट्रप्शन हो जाना, प्लेसेंटा का अलग हो जाना, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि फीटस की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इस तरह के अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो उस वजह से भी जो है स्टिल बर्थ के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है नियोनेटल डेथ। न्यूनेटल डेथ का मतलब है बच्चा अगर पैदा हो गया है और पैदा होने के 28 से 30 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चा मर जाता है या बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं न्यूनेटल डेथ। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं न्यूनेटल डेथ के? सबसे पहला है प्रीमेच्योर बेबी। अगर आपका प्रीमेच्योर बेबी है तो स्टिल बर्थ के चांसेस यानी कि बच्चे के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ही लो होती है तो बच्चे की डेथ के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, उस वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। कुछ बर्थ के टाइम पर ही कुछ डिफेक्ट हैं बच्चे में तो हो सकता है कि स्टिल बर्थ हो जाए। कुछ बच्चे का बर्थ वेट बहुत लो है तो उस वजह से भी हो सकता है बच्चे की डेथ हो जाए। कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस ऑफ जॉन्डिस वगैरह हो गया, तो इस तरह के जो काफ़ी सारे डिजीजेस अगर बच्चे को इनिशियल के 28 दिन में हो गए और उस दिन के बीच में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं न्यूनेटल डेथ। चाहे आपने मिसकैरेज फेस किया हो या फिर न्यूनेटल डेथ या फिर स्टिल बर्थ, इन तीनों ही केसेस में जो है आपको कब नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, कब बेबी प्लान करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है एज। आपकी एज यानी कि मदर की एज कितनी है? अगर एज ज़्यादा है तो आपको टाइम गैप कम रखना होगा, और ज़्यादा रखना है या कम रखना है इस पर भी आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकती हैं। दूसरा है मदर की हेल्थ यानी कि आपकी खुद की हेल्थ। आप फिजिकली, मेंटली अपने आप को कितना अच्छा, कितना स्टेबल महसूस करती हैं, कितना अच्छा महसूस करती हैं, उस हिसाब से फिर जो है आप अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं। तीसरा है कपल रिलेशनशिप। आपके और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा है बेबी लॉस के बाद यानी कि प्रेगनेंसी लॉस के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड का जो है ओपिनियन दूसरे प्रेगनेंसी के बारे में अलग हो, तो इस बात पर ही आप दोनों अच्छे से डिस्कस कर लें और जो आपका डिसीजन हो फिर उस हिसाब से जो है आप एक्ट कर सकती हैं। तो देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर जो मैं कहूँ कि एक साल के बाद आपको कर लेना चाहिए तो आपको आपकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो हेल्दी होगी, अगर आप दो साल का गैप रखेंगी तो प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ने अगर इमीडिएटली भी कंसीव किया है तो भी उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है, और बहुत से पेरेंट्स ने एक या दो साल का गैप रखा है तो भी हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है। मेन पॉइंट जो है ये है कि आप, आपके पार्टनर और अगर आपके डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टिल बर्थ या फिर नियोनेटल डेथ के से पहले सी सेक्शन यानी कि सीजेरियन सेक्शन आपका हुआ है तो थोड़ा सा आपको लंबा गैप यानी कि एक साल का गैप देना चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दे सकें, ताकि वो स्टिचेस जो है अच्छी तरह से हील हो सकें। नॉर्मल डिलीवरी के केस में जो है आप जल्दी से प्लान कर सकती हैं, बट फिर भी जो है ये कॉल आपका, आपके हस्बैंड का और ये आपके डॉक्टर्स का ही होना चाहिए। तो देखिए प्रेगनेंसी लॉस के बाद जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप में मिक्स्ड इमोशंस होना बहुत ही स्वाभाविक है। मिक्स्ड इमोशंस जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको डर भी हो सकता है कि कहीं मेरे साथ फिर से ऐसा ना हो जाए, और ये होना बहुत ही नॉर्मल है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी भी आप प्रेशर में आकर कि आपके आसपास के लोग आप पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जल्दी कर लो, तो उस बात पे आप बिल्कुल भी ना गौर करें। आप अपने आप पर ध्यान दें और अपनी फैमिली यानी कि अपने स्पाउस या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इस बात का फैसला लें। तो देखिए इस दुख से उभरने के लिए सबसे अच्छा है टाइम। कहते भी है ना कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, तो अच्छी तरह से टाइम लें और अपने आप को इस दुख से उभरने की कोशिश करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, कहीं अच्छे कामों में, अच्छी हॉबीज़
अपने आप को लगाएं ताकि आप इससे दूर रह सकें, इस दुख से उभर सकें। एक्सेप्ट करें कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और इसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न छुपा होगा, तो डेफिनेटली आप इस दुख से बहुत अच्छी तरह से उभर पाएंगी। और पॉजिटिव सोचें कि आपको अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से प्लान करना है, अच्छा सोचना है। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।